हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे मीनिंग कमर्शियल बैंक्स का, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स। बट बिफोर दैट वी विल सी द पोजीशनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सबसे मिलकर बनता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें से कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दे मोबिलाइज द मनी फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस मनी एंड चैनलाइजिंग दैम टू दोज हु रिक्वायर दैट मनी फॉर द पर्सनल यूज ऑफ फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द सेवर्स एंड यूजर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस एंड म्यूचुअल फंड्स। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इस शेड्यूल में आने के लिए इन बैंक्स को कुछ कंडीशंस होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि दे मस्ट हैव ए पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट ₹5 लाख। तो उनकी पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा जो बैंक है एज ए कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, ना कि कोई पार्टनरशिप फर्म या सिंगल ओनर फर्म होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक की जो भी कंडीशंस है वो उनको उसको सेटिस्फाई करना है, और सेंट्रल बैंक को सेटिस्फाई करना है कि वो किसी भी तरह का डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को किसी भी तरह का हार्म नहीं करेंगे, डिपॉजिटर के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। सो जब ये कंडीशंस फुलफिल की जाती है तो कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच आर नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द बैंकिंग सीन एंड दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्दर शेड्यूल बैंक्स आर क्लासिफाइड इन टू कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। आज हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस that provide a variety of financial services. कौन सी services? जैसे deposit accept करते हैं, loan provide करते हैं, इसके अलावा कई investment products है जो ये commercial banks offer करते हैं, like certificate of deposits हो गए, insurance products हो गए, mutual funds हो गए, saving accounts to individual and small businesses. Reserve Bank of India जो है that is the highest monetary authority in the country. और ये जो अथॉरिटी है RBI जो है दे मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक्स आर द ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले हम समझते हैं क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है। इन इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स वेयर गवर्नमेंट होल्ड अ मेजोरिटी स्टेक, दैट इज मोर देन 50%। इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो मोर देन 50% होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर्ड द बैंकिंग बिजनेस विद द नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इस बैंकिंग बिजनेस में 1955 में एंटर हुई थी विद द नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था जिसको 1955 में नेशनलाइज किया गया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1969 में 14 और जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। 1980 में 6 मोर बैंक्स वर टेकन बाय ओवर बाय द गवर्नमेंट। सो नेशनलाइजेशन होता है जब गवर्नमेंट जो होती है वो किसी इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर लेती है। सो दीज नेशनलाइज्ड बैंक दे आर कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज और एंटिटीज विद मिनिमम गवर्नमेंट ऑनरशिप और कंट्रोल. In India, private sector banks are banks where the government hold less than 50% stakes. So, private sector banks होते हैं जहाँ पे government का जो control होता है वो 50%, government के पास 50% से less shares होते हैं. So, example है private sector banks के, जैसे ICICI bank है, HDFC bank, Axis bank and Yes bank. Next है foreign banks. So, foreign banks क्या होते हैं? Foreign banks are the banks that are headquartered in another country and have operations in India through branches, subsidiaries or representative offices. They are scheduled banks and generally specialized in the field of foreign exchange. Foreign banks ki example dekh lete hain hum, Citibank, Standard Chartered Bank, HSBC, Bank of America. So these are the example of foreign banks. Next hai regional rural banks. These were started in 1975 to cater to the needs of rural economy of India. तो regional rural banks जो होते हैं वो rural economy की financial services को, financial needs को cater करते हैं. They pay particular attention to the credit requirement of the small farmers, artisans and agriculture workers. They operate mainly at the district level. There are 43 regional rural banks operating in India with a network of over 20,000 branches and 14,000 ATMs serving millions of customers in rural areas. Next, hum padhte hain functions of commercial banks ke bare mein. So, commercial banks jo hai wo kya function perform karte hain. The first one is acceptance of deposits. So, the one of the primary function of bank is to accept deposit from publics. Deposits are the main source of funds for commercial banks. The amount mobilized as deposit is then lent in the form of advances. So commercial banks kya karte hain? Public se deposit accept karte hain aur is tarah se ye jo deposits hote hain inko further loan ke roop mein dete hain. The higher the amount of deposits mobilized, the higher is the amount of funds lent. The growth of deposits depends on savings. So, economy में जितनी ज़्यादा savings होंगी उतने ही ज़्यादा deposits bank mobilize करेगी और जितना deposit bank के पास होगा further bank उतना ही ज़्यादा loan जो है वो public को provide करेगी. Deposits may be categorized into demand deposits and time deposits. So, deposit को हम दो category में divide करते हैं, demand deposits and time deposits. Demand deposits are deposits which can be withdrawn without notice and can be repaid on demand. Current account and saving accounts are classified as demand deposits. So, demand deposits होते हैं जब बिना किसी prior notice के customer जो है अपना amount जो है withdraw कर लेते हैं bank से. Current account and saving account जो है demand deposit में आते हैं. Time deposits are deposits which are repayable after a fixed date or after a period of notice. Time deposit के केस में जो customers है उनको वो किसी particular date के बाद या period के बाद ही अपना amount जो है वो bank से withdraw कर सकते हैं. जैसे fixed deposits, recurring cumulative deposit, miscellaneous deposits and cash certificates are classified as time deposits. Next जो function है that is lending of funds. Commercial banks mobilize savings from those who have surplus and lend these funds to those who require that funds. So commercial banks क्या करते हैं? Mobilize करते हैं saving जिनके पास ज़्यादा money है, excess money है और उसको lend करते हैं in the form of loan to those who require that fund. जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको loan देते हैं commercial banks. Commercial banks facilitate the financial activities of not only individuals and private sector but also of the government. So commercial banks na keval individuals ki balki private sector, government ki jo financial requirements hoti hai unko bhi fulfill karte hai. This function of commercial banks support economic growth by providing funds for personal consumption and business investments. Funds are lent in the form of cash credit, overdraft and loan system.
सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. ये ऐसा फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक्स को जो दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनसे डिफर करता है. सो क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि जब लोग अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स इन डिपॉजिट का कुछ पोर्शन एज ए कैश रिजर्व होल्ड करता है और बाकी जो डिपॉजिट का अमाउंट है उनको लोन के रूप में लोगों को देता है. सो वाइल सेंक्शनिंग अ लोन टू अ कस्टमर दे डू नॉट प्रोवाइड कैश टू द बोरर. सो जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को तो वो उसको कैश के रूप में नहीं देता. इंस्टेड वो बोरर का एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो उसको डिपॉजिट कर देता है. बोरर एज पर हिज रिक्वायरमेंट उस अकाउंट में से जो अमाउंट है वो डिपॉजिट जो अमाउंट है वो विड्रॉ करता है. सो इस तरह से जब बैंक लोन देता है, डिपॉजिट अमाउंट से लोन देता है, तब ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट मनी इंक्रीजेस एज द बैंक लेंड लोन टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी. तो इस तरह से ये क्रेडिट मनी इंक्रीज करती रहती है जब जब बैंक लोन जो मनी है लोन के रूप में लोगों को देती है. द डिपॉजिट ऑफ मनी बाई पीपल इन द बैंक्स and the subsequent lending of loan by the commercial bank is a never ending process. So logon ka bank mein amount deposit karana aur further bank ka in deposits ko as a loan sanction karna, that is a continuous process. So it is due to this continuous process that the commercial banks are able to create credit money multiple times of the initial deposits. So is tarah se ye jo initial deposits hai isse bank kai baar jo money jo hai jo credit hai usko create karti hai and it's a never ending process. सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एन एक्सिलरी फंक्शन. सो बिसाइड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग फंड्स बैंक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एन एक्सिलरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स. सो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना या एक बैंक से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, फॉरन एक्सचेंज जो है प्रोवाइड कराना, सेफ डिपॉजिट्स लोकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, गिफ्ट चेक्स, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा. तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो भी बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है. सो दस बैंक प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ बैंकिंग एंड एन एक्सिलरी सर्विसेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एनरोल्ड लर्नर्स के लिए एक ज़रूरी सूचना है. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं. जिन लर्नर्स ने अभी तक इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है वो इन लिंक्स के माध्यम से अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन कर ले. इन ग्रुप्स में हम आपको आपके काउंसलिंग शेड्यूल्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं. इसलिए जो लर्नर्स अभी तक इन ग्रुप्स में ऐड नहीं हुए हैं वो अपने मोबाइल में टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द इन लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए.